आपकी जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से आ रही है, जहां पर मुरैना जिले के अंबा में बारेकीपुरा रहने वाली आशा कार्यकर्ता उषा तोमर की मौत हुई है। जानकारी के अनुसार इस समय मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर आशा कार्यकर्ताओं की ड्यूटी तैनात की जा रही है। इसी के चलते अंबा तहसील के बारेकीपुरा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था, जहाँ पर लाइन में लगी घंटों से लाइन में खड़ी आशा कार्यकर्ता उषा तोमर की हालत बिगड़ी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मुरैना जिले की आशा कार्यकर्ता उषा तोमर की मौत के बाद अब आशा कार्यकर्ताओं के संगठन में अब हड़कंप मचा हुआ है, जहां पर आशा कार्यकर्ताओं की प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी कौरव ने शासन को जिम्मेदार ठहराते हुए खुली चुनौती दी है। आइए सीधे चलते हैं, आपकी जन अदालत न्यूज पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुकी हैं आशा कार्यकर्ताओं के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी कौरव। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के विकास खंडों में 26 अप्रैल तक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी स्वास्थ्य सुविधाएं और आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य किया जाएगा। ये अच्छी बात है, आम जनता का अधिकार है कि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करे। लेकिन आप जानते हैं इस स्वास्थ्य शिविर को सफल बनाने की पूरी जिम्मेदारी किसके कंधों पर है? आशा कार्यकर्ता की। एक एक आशा कार्यकर्ता को ये कार्य सौंपे गए कि आप अपने गांव में सर्वे के दौरान उन हितग्राहियों की सूची तैयार करें जो किसी प्रकार से बीमार हैं या फिर जिनकी हेल्थ आईडी बननी है। आशा कार्यकर्ता ने इतनी भीषण गर्मी में एक एक घर में घूम के 5 से 6 दिन में सर्वे के दौरान ये सूची तैयार की। उसके बाद आशा कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी गई कि आप अपने गांव में जो स्वास्थ्य शिविर के पैम्पलेट हैं उनको बांटें, दीवार लेखन करें और मुनादी करवाएं। 4 से 5 दिन में आशा कार्यकर्ता ने ये भी कार्य निपटा लिया। उसके बाद आशा कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी गई कि आपने जो सूची तैयार की है उन स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान कराने के लिए उन्हें हितग्राहियों को अपने साथ लेकर के आए। आपकी ये ड्यूटी है, आपको आना अनिवार्य है, एक मौखिक आदेश अधिकारी ने दिया और सभी आशा और आशा सहयोगी कार्यकर्ता पहुंच गए शिविर में। इतनी भीषण गर्मी में जहां हम घर से निकलने में परेशान हो रहे हैं या फिर हम निकलते हैं तो पल पल पर हमें प्यास लगती है, थोड़ी देर बाद हमें भूख भी लगती है, गर्मी का एहसास होने पर आराम करने का दिल करता है, ऐसी गर्मी में आशा कार्यकर्ताओं के खड़े रहने के लिए, उनके बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, हवा का कोई साधन नहीं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं। और आप जानते हैं इन 10 और 12 दिनों की तैयारियों में आशा कार्यकर्ता को क्या मिला? हम बताते हैं आपको। आशा कार्यकर्ता को मिला एक्सीडेंट। खंडवा में खालवा की आशा कार्यकर्ता के जो एक्सीडेंट की घटना हुई है उसके विषय में हमने कल ही पोस्ट किया था। उसके बदले आशा कार्यकर्ता को मिली मौत। मुरैना की आशा कार्यकर्ता उषा तोमर, जो कि लाइन में खड़े खड़े इतनी बीमार हो गई, और बीमार होने के बाद हम क्या हितग्राहियों को सेवा प्रदान कराएंगे जब हमारे डॉक्टर हमारे खुद को परीक्षण के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। सभी लोगों ने कहा कि महिला की तबीयत बहुत बिगड़ रही है, आशा कार्यकर्ता की तबीयत बहुत बिगड़ रही है, डॉक्टर साहब आकर देख लीजिए। नहीं, टाइम ही नहीं डॉक्टर साहब के पास। इतनी दुखद घटना घट जाने के बाद भी अधिकारियों को ये फुर्सत नहीं है कि आशा कार्यकर्ता के परिवार का हालचाल ही जान लें, उसके परिवार पर क्या बीती है उसके दुख में थोड़ा सा सम्मिलित ही हो जाएं। नहीं, अधिकारियों को इतने नहीं पड़ी है। शासन के द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार की सांत्वना जारी नहीं की गई है। क्या समझ रखा है आशा कार्यकर्ताओं को और क्या समझ रखी है उनकी जान की कीमत? सभी लोगों ने कहा कि महिला की तबीयत बहुत बिगड़ रही है, आशा कार्यकर्ता की तबीयत बहुत बिगड़ रही है, डॉक्टर साहब आकर देख लीजिए। नहीं, टाइम ही नहीं डॉक्टर साहब के पास। हम आप सभी अधिकारियों को, शासन से लेकर प्रशासन तक, सभी को ये चेतावनी देते हैं, हमारी आशा कार्यकर्ता और सहयोगिनी कार्यकर्ता बहनों को बगैर किसी लिखित आदेश के यहां वहां भटकाना बंद कर दीजिए, परेशान करना बंद कर दीजिए। जब तक कोई लिखित आदेश ना हो जिस पर निर्धारित राशि की व्याख्या ना हो, जिस पर निर्धारित राशि का लेखन ना हो, तब तक आप किसी भी आशा कार्यकर्ता को किसी भी ड्यूटी के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। और आपकी जनअदालत न्यूज को लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जनअदालत न्यूज के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम स्टे सेफ।